Very good morning, students. Welcome to the psychology classroom. So I hope you all are fine and everybody is fine at home. आप अच्छे हैं, सभी को अच्छा है घर पे. Okay. So the most important part is you all are revising the topics or not. You all are studying properly or not. Okay. It is very important for you. All so keep revising the things, whatever the things which we are discussing through the video and whatever the topics which we have covered, so aap usse revise karte rahenge. So firstly I should write up the date. Is properly visible, and the chapter which we are discussing is chapter 7. Memory chapter hum jo discuss kar rahe hain. Memory chapter mein सो मेमोरी चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, लाइक व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी. वी हैव डिस्कस द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, कैसे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन कैसे पहले सेंसरी मेमोरी में आता है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, फिर लॉन्ग टर्म में जाता है. सो ये हमने डिस्कस कर लिया. ओके, इसके आगे बढ़ेंगे. सो थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे जो हमने कल में किया था. सो सबसे पहला जो मेमोरी टाइप होता है वो होता है सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी जो होता है, सेंसरी मेमोरी द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी. ये फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट टाइप होता है विच होल्ड द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अवर सेंस ऑर्गन for a few second or less, and it is a memory which divided into two parts. In two parts are divided. One is echoic, and another is iconic. Echoic and iconic. Echoic memory को हम auditory sensory memory भी कहते हैं. Echoic memory is also known as auditory sensory memory. Iconic is also known as visual sensory memory. Visual sensory. So there are two kind of sensory memory. Sensory memory भी दो तरीके के होते हैं, echoic and iconic. Echoic ear से पता चल रहा है auditory, और iconic यानी eye से related है visual. So there were two kind of sensory memory, visual sensory memory and auditory sensory memory. Now visual sensory memory is that part of sensory memory which receive the information from the sense organ eye. Eye se yani eye ke through hum jo bhi information collect kar rahe hain, ya eye jo sense organ hai hamara wo jo bhi information collect kar raha hai, that is a part of विजुअल सेंसरी मेमोरी. वो विजुअल सेंसरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है. वो किसका पार्ट है? विजुअल सेंसरी मेमोरी का. और ईयर्स जो हमारा सेंस ऑर्गन है उससे जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, डैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी. वो किस मेमोरी का पार्ट है? ऑडिटरी का, ठीक है. सो देयर आर टू पार्ट ऑफ द सेंसरी मेमोरी, विजुअल सेंसरी मेमोरी एंड ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी. आइकॉनिक जिसे कहेंगे और इकोनिक. ना विजुअल ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो विजुअल सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा होती है. जो चीज़ें हम देख के ग्रैस्प करते हैं वो हमें इतना टाइम तक याद नहीं रहता जो चीज़ें हम सुन के याद रखते हैं.
ठीक है, तो सुनी हुई चीजें दैट द थिंग्स विच आर हर्ड दैट रिमेन इन अवर मेमोरी सिस्टम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू द थिंग्स विच वी सी. तो विजुअल सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है इट वॉज इट इज समथिंग इसकी कैपेसिटी 1/2 or 1 second की होती है. ठीक है, बट ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी 1.5 or 2 second की होती है. तो ऑडिटरी की विजुअल से ज़्यादा है. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दीज टू पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेंसरी मेमोरी विजुअल एंड ऑडिटरी. नाउ थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी डिस्कस कर ले. आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है वो सेकेंड स्टेज होता है मेमोरी का. इट इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है वो सेकेंड स्टेज होता है मेमोरी का. सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, इट इज़ अ सेकेंड स्टेज होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी. इसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेज होता है वो वर्किंग मेमोरी कहते हैं. ओके, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से रिसीव करता है और ये इसे होल्ड करता है फॉर 30 सेकेंड. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्मॉल होती है बट ड्यूरेशन इसका इट्स ड्यूरेशन इज मोर देन द सेंसरी मेमोरी. ऑल्दो द कैपेसिटी ऑफ द सेंसरी मेमोरी इज लॉन्ग बट इट्स ड्यूरेशन इज शॉर्ट, बट द शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी इज स्मॉल बट ड्यूरेशन इज 30 सेकेंड. इट इज मोर देन द सेंसरी मेमोरी. 30 सेकेंड तक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी. एंड इफ यू गिव द अटेंशन हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिहर्सल एंड रिवीजन सो इट द इंफॉर्मेशन विल बी गोज इन टू द LDM. इफ यू गिव लॉट ऑफ रिहर्सल एंड रिवीजन देन द इंफॉर्मेशन गोज इन टू द LDM. ठीक है, रिहर्सल की बात होती है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो 30 सेकेंड की है. सो इट रिक्वायर्ड अ रिहर्सल. इसे क्या चाहिए, इसे रिहर्सल चाहिए. रिहर्सल टू टाइप्स के होते हैं विच वी डू. फर्स्ट इज मेंटेनेंस एंड सेकेंड इज इलैबोरेट. There were two kind of rehearsal which we do, maintenance and elaborator. दो तरीके के rehearsal हम करते हैं. एक होता है maintenance यानी repeating the same thing again and again, एक ही चीज़ को बार बार repeat करना, maintain करना. And another kind of rehearsal is elaborator, going into the detail and doing the semantic learning. Detail में पढ़ना और semantic learning करना. So maintenance rehearsal and elaborator rehearsal. If you do these kind of rehearsal, so the information can goes into the LDM from STM to LDM. Then another thing which we do in the short term memory is chunking. Chunking is also one of the method which need you to enhance your memory and put the information from STM to the LDM. So दो चीजें हम करते हैं, rehearsal होता है और चंकिंग. ये दो चीज़ें द टू थिंग्स विच वी डू इन STM. STM में हम ये करते हैं, चंकिंग और रिहर्सल. अंडरस्टैंड, चंकिंग क्या होता है? चंकिंग चंक्स बनाना मीन्स डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स. किसी भी चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, इट मेक्स योर लर्निंग बेटर. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड चंकिंग क्या होती है. चंकिंग समझेंगे
होता है. चैंपिंग इज वन ऑफ द मैथड. एक तरह से मैथड है डिवाइडिंग द एनीथिंग इनटू. दिस फॉर एग्जांपल में फोन नंबर जो होते हैं यूजली ऑफ 10 डिजिट्स के होते हैं एंड इट इज नॉट ईजी टू रिकॉल ऑल द 10 डिजिट्स एट वन टाइम. एक ही बार में सारे 10 डिजिट्स रिकॉल करना इतना ईजी नहीं है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1 9 7 8 2 3 5 6 2 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने 11 डिजिट दे रही हूँ. सपोज 1 से तो स्टार्ट नहीं होता नंबर, मैं 9 डिजिट दे रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इट इज़ अ 10 डिजिट्स नंबर. ये एक 10 डिजिट नंबर है 9 7 8 2 3 5 6 2 1 2. ऐसे आप लर्न करोगे तो इट ईजली डजेंट दिस. बट अगर आप इसे चंद करोगे 9 7 8 2 3 5 6 2 1 या फिर 9 7 8 2 3 5 6 2 1 2. फोर पार्ट्स में डिवाइड करो या 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो, इट्स टोटली अप टू यू. आप कैसे लर्न कर पाते हैं, ठीक है? ठीक है, आप इसे 3 पार्ट्स में करेंगे या 4 पार्ट्स में करेंगे. तो चंकिंग यानी डिवाइडिंग द थिंग टू स्मॉलर पार्ट. नाउ अब इसको आप कोई डेट दे दो, जैसे 9 7 8, ठीक है, 2 3 5 किस चीज़ का नंबर है, 6 2 1 2. तो इससे जल्दी रिकॉल होता है. जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक इज 1 9 4 7 1 9 6 8 1 9 2 9. तो इसे अगर हम इस नंबर को टोटल रिकॉल करना तो प्रॉब्लम होगी. बट अगर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इसे एज ए ईयर भी करें कि किसी ईयर का है और इस ईयर 1947 में जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 1968 में क्या हुआ था, 1929 में, तो इससे आपको याद जल्दी हो जाएंगे वो नंबर. बहुत क्विकली, वेरी क्विकली यू विल बी एबल टू राइट डाउन दोज नंबर. ओके, प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स. Is it done? Okay, I hope you all have written it down. So chunking, I just hope aapko acche se samajh mein aa gaya hoga and also about the rehearsal, the role of rehearsal. There were two kind of rehearsal we had discussed, maintenance rehearsal and the elaborative rehearsal. Okay. After understanding about the STM, let's go to the third stage of memory, which is LDM. Okay, let's discuss about the long-term memory. So long-term memory is that part of memory in which information is remained in the memory system for a longer period of time. लंबे समय तक इसमें information रहती है. Its capacity is unlimited and its duration is lifetime. Once the information entered in the LTM, there the frequency of forgotten is less. It is not very much. Okay, very much means no. Okay, no information you will forget from your LTM. Now, unless and until any kind of injury or accident happened in this, one of the part of the brain which is responsible for the LTM, it is the hippocampus. Hippocampus is a part of the limbic system and hippocampus is responsible for the storage of the memory of LTM. Okay, aage badhe. Long term memory. के कुछ क्लासिफिकेशन हैं जो आपको इस पार्ट में पढ़नी है. व्हाट आर द टाइप्स, टाइप्स क्या है. सो बेसिकली वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट नेम इज टर्मिन. टर्मिन ने कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप बताए. ही कैटेगराइज द एलटीएम इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव एंड अनदर इज नॉन डिक्लेरेटिव. टेलिंग में टू टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया है कि हमने विच
डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होते हैं इसके भी टू पार्ट्स हैं, एपिसोडिक एंड सेकेंड सिमेंटिक. नॉन डिक्लेरेटिव जो होता है वो प्रोसीजरल मेमोरी होता है. समटाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जाम दैट प्रोसीजरल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज विच मेमोरी, सो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. ये नॉन डिक्लेरेटिव होता है. डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी जिसमें कोई स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट्स हैं, कोई डेटा है. एंड नॉन डिक्लेरेटिव जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, सो इट इज रिलेटेड टू द एक्शन मूवमेंट. सो प्रोसीजरल मेमोरी वो पार्ट होता है मेमोरी का विल डील विद द मेमोरीज ऑफ एक्शन, जिसमें एक्शन हो रहा हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग वेयर विच यू हैव लर्न समथिंग, like for example you learn how to ride a bicycle, you learn how to put, you learn how to play a guitar. So where you have used the movement, the body movement, and so it is known as procedural memory or non-declarative memory. Procedural memory deal with the memories of action. Theek hai. In contrast to the procedural memory, there is a declarative memory. Declarative memory is related to the declaration. It is divided into two parts, episodic and semantic. ये दो part में divided होता है, episodic और semantic. Episodic में episodes, यानी the memory of your important dates, events, okay, ये आपके episodic का part है. सिमेंटिक मेमोरी डील विद द मेमोरी ऑफ मीनिंग, जैसे मीनिंग जैसे जनरल नॉलेज, सम ऑफ द फैक्ट्स विच यू नो, तो दे आर द पार्ट ऑफ द सिमेंटिक. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एपिसोडिक सिमेंटिक. एपिसोडिक यानी आपकी लाइफ इवेंट, आपकी लाइफ में जो एपिसोड्स हुए होंगे, जो लाइफ इवेंट्स हुए होंगे, वो एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट है. सिमेंटिक मेमोरी मीनिंगफुल, जैसे कोई चीज़ें मीनिंगफुल हैं, सिमेंटिक हैं, वो आपके सिमेंटिक का पार्ट है. ओके, सिमेंटिक मेमोरी इज रिलेटेड टू द मेमोरी ऑफ जनरल नॉलेज, सम ऑफ द फैक्ट्स विच यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एनी कंसेप्ट विच यू हैव फॉर्म्ड, दैट ऑल कम अंडर द सिमेंटिक मेमोरी. सो आई होप इट इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एपिसोडिक, सिमेंटिक एंड प्रोसीजर. So these are the three kinds of memory which was discussed by the Talvin. Talvin ne bataya. Apart from this, there are some other classification also. So let's discuss about that classification. What are the other classification of LTM? Inke alawa eyewitness memory hoti hai. Eyewitness memory. Second, implicit eyewitness memory. सब कुछ मेमोरी के पार्ट्स हैं जो कि एलटीएम के ही पार्ट है. आई विटनेस, इम्प्लिसिट, फ्लैशबैक, ऑटोबायोग्राफिकल. ठीक है, आई विटनेस मेमोरी जैसे समथिंग लाइक जो आई विटनेस, व्हाट इज द रोल ऑफ द आई विटनेस इन अ लॉ फील्ड. लॉ फील्ड में आई विटनेस जो होते हैं, जिन्होंने जैसे बोलते हैं आंखों देखा हाल, जिसने देखा है चीज़ें, तो वो आई विटनेस हो गया. तो ये मेमोरी जो होती है, जैसे आपने कभी कुछ देखा तो दैट योर आई कैप्चर इट, सो दैट कम अंडर द आई विटनेस. इम्प्लिसिट मेमोरीज आर दोज मेमोरी ऑफ विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. ये वो मेमोरी होती हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं. ठीक है, इनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं. जैसे कि
कुछ ऐसे मेमोरी होती है जो आपके एलटीएम का पार्ट होती हैं, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ. जैसे आपके पेरेंट्स आपको बताते थे तुम ऐसे करते थे, तो यू विल बी नाउ एबल टू रिकॉल, अच्छा हाँ ओके आई वॉज अबाउट टू डू दैट थिंग. फ्लैशबैक, पीछे जाना, जैसे पीछे की बैक की द मेमोरीज ऑफ योर पास्ट इवेंट्स, दैट कम अंडर द फ्लैशबैक. एंड द लास्ट वन इज ऑटोबायोग्राफिकल. ऑटोबायोग्राफिकल इज रिलेटेड टू योर मेमोरी, आपके बारे में जो चीज़ें हैं, वट एवर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू यू, योर बर्थडे, योर अचीवमेंट्स, योर फेलियर, योर सक्सेस, ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. So here in this video, up to this, I had discussed with you sensory memory in detail, short-term memory and long-term memory. I also discussed with you information processing model. Okay, now let's, आप इसे लिख लीजिए पहले. Okay, I hope आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा. Now let's discuss one more model of memory, which is Craig and Lockhart model. Craig and Lockhart model of memory. Craig and Lockhart model of memory. जिसे हम level of processing भी कहते हैं. It is also known as levels of processing. Craig and Lockhart model of memory या level of processing. Craig and Lockhart ने टू मेन लेवल्स बताए हैं. फर्स्ट शैलो लेवल एंड सेकेंड डीपर लेवल. शैलो लेवल एंड डीपर लेवल, उन्होंने कहा जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो ये टू लेवल्स पे करते हैं. एक होता है शैलो लेवल प्रोसेसिंग, ऊपर ऊपर से चीज़ों को जानना, ग्रैप्स करना. एंड वन इज गोइंग इन टू द डिटेल एंड डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. सो देर आर टू काइंड ऑफ प्रोसेसिंग वर डन, शैलो लेवल एंड द डीपर लेवल. क्लियर, शैलो एंड डीपर. नाउ इसी लेवल को उन्होंने एक चार्ट की तरह बनाया हुआ था. स्ट्रक्चर, टॉक अबाउट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है ना, तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लेवल की बात है फोनेटिक एंड लास्ट इज सिमेंटिक. सो द थ्री लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वॉज डन, स्ट्रक्चरल, फोनेटिक एंड सिमेंटिक. दीज टू जो है स्ट्रक्चरल और फोनेटिक, ये शैलो है, शैलो ओके. एंड ये जो होता है सिमेंटिक होता है, ये डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होता है या डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. ठीक है, सो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल अगर इफ यू फाइंड एनी डाउट चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, यू विल डेफिनेटली डिस्कस विद मी इन द क्लास रूम. प्लीज कम अप विद द क्वेश्चंस एंड आस्क द क्वेश्चन. सो these two level are shallow and last is deeper. Semantic, obviously जब हम चीज़ों को, when we encode the information by understanding its meaning, so obviously it was a deeper level of processing. No confusion will be there, no doubt will be there. Structural and phonetic, structural superficial level की बात कर रहे हैं, then phonetic is related to the sound. So semantic learning is always the deeper level of processing. Fine, please make this chart. Okay, thank you so much children, thank you.